प्यारे बच्चों, कल तक हमने आपकी कक्षा 9th का जो कृतिका पुस्तक चलती है उसके दो पार्ट पढ़ लिए थे लेसन 2 के। आज हम उसका तीसरा पार्ट है उस पर चर्चा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। अब ये लेखिका लिख रही है अपने बारे में कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन वो जो है बीमार थी टाइफाइड से। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तक 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर के तर्क को समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काराम जो वो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक का मतलब हो गया मानसिक रोग, है ना? ठीक है ना? यानी कि मतलब किसी चीज़ के प्रति उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, यानी उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब समर्पित रहना, है ना? तो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। इस पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। यानी उस किताब को पढ़ने से ही उनके लेखन में जो है एक मतलब एक जो है एक अच्छी कसावट आई, ये वो बता रही हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से आपके व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझे
मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव को लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। यानी इनके घर में लगभग लगभग सभी लोग जो है वो लेखक ही हुए, ठीक है ना। बस दो बहनों को छोड़ दे तो बाकी सब लेखन में ही रहे। हम चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुटता सांस लेने की ज़रूरत से ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर दो गैर लेखिका बने सेवा सवा शेर। यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। सामंतशाही का मतलब होता है बेटा कि राजा महाराजाओं की तरह जो जीवन जीते थे लोग, उसके बारे में ये कटाक्ष है, जो शायद था। पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भुनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तर बतर, खरामा खरामा मतलब कि जो है धीरे धीरे, है ना। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसे दे हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है वरना नहीं, हम तरह तरह के तर्क दिए हमने। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। ये इसकी जो सभी बहनें थी ना, ये तर्कशील थी, पांचों की पांचों बहनें। तो कोई काम को करने से पहले भी ये अपने हिसाब से उसकी तुलना करती थी कि ये काम किया जाना चाहिए या नहीं, है ना। तो आखिर उन्होंने कुछ कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी दो कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी इत्र वो लगाए जो रोज़ ना नहाता हो, है ना, मैं तो नहाती हूँ रोज़, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, कल इसका अपन आगे का पढ़ेंगे। ये एक बहन का वर्णन किया है, कल जो है चित्रा का वर्णन है ना। थैंक यू बेटा।